नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आरके गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। दोस्तों, एक चीनी कहावत के अनुसार एक इंच सोने से भी एक इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा पसंद करते हैं या सुपर फास्ट ट्रेन से? देखते होंगे कि रिटायर लोग पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा करने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटायर लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती, उनके पास समय ही समय रहता है। वहीं दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपर फास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और बचे हुए समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है, वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। किंतु यदि आप समय की बजाय पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्वहीन महत्व नहीं देते। वही दूसरी तरफ जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि वे समय को खरीद लेते हैं। जैसा कि चीनी कहावत में कहा गया है कि समय को खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन यकीन मानिए समय को खरीदा जा सकता है। आप भी यह देखते हैं कि कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा ध्यान से विचार करें कि कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को वेतन देकर उनसे उनका अपना मनचाहा काम करवाता है, यानी कि वह कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पालन करें, यानी समय खरीदना सीखें। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको अपने समय का मूल्य जानना बहुत जरूरी है। समय का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं फिर मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल हम एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके समय का मूल्य 100 रुपये प्रति घंटे है। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय करते हैं। आप इसे समझते हैं कि कैसे हम समय को खरीद सकते हैं। आपको बिजली का बिल जमा करना है, जिसके लिए आने जाने में और लाइन में खड़े होने में 1.5 घंटे का समय लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपये लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको क्या चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य 150 रुपये है। इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार है तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज़्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। वर्तमान में आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी कंपनियां पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनियों से सस्ते में करवाती हैं और अपना कीमती समय बचाती हैं। एक कहावत है, समय ही धन है, लेकिन यदि आप
इसे उलट दे तो आपको एक मूल्यवान सत्य का पता चल जाएगा कि धन ही समय है। यहां पर यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि डेलीगेटिंग यानी काम सौंपने और समय खरीदने में अंतर होता है। इसको इस प्रकार समझें, डेलीगेटिंग में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। पहले वाले उदाहरण के अनुसार यदि आपके एक घंटे का मूल्य 100 रुपये है और सामने वाला आपका एक घंटे का काम 10 रुपये में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा लें ताकि आप उस बचे हुए समय में ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान काम कर सके। आप इस पृथ्वी के एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी यही समस्या आती है, वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम न हो पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान में पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव क्यों करती हैं? हो सकता है इसके अनेकों कारण हों, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। माना यह जाता है कि ज़्यादातर पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में फुर्सत में होती हैं। एक बार फिर वही हिसाब लगा लें, अगर आपके एक घंटे का मूल्य 100 रुपये है और एक घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपये कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में हैं। वास्तव में आपको 20 रुपये का फायदा नहीं हुआ बल्कि 80 रुपये का नुकसान हुआ है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। दोस्तों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें।